नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। पूर्व एडीजीपी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे कमलनाथ, बोले उनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। बता दें कि पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह के पिता तथा मध्य प्रदेश के पूर्व एडीजीपी रहे शिवमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने आज रीवा पहुंचे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने भी स्वर्गीय शिवमोहन सिंह से बहुत कुछ सीखा है। अपने अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूर्व एडीजी शिवमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद वह भोपाल के लिए रवाना हो गए। बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ आज अपने अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पूर्व एडीजीपी शिवमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वह सभा में पहुंचकर शोक संवेदना भी व्यक्त की। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तथा कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव भी रीवा पहुंचे थे, जहां पर तमाम दिग्गजों ने श्रद्धांजलि सभा में पुष्प अर्पित कर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने खुद स्वर्गीय शिवमोहन सिंह से बहुत कुछ सीखा है। दरअसल शिवमोहन सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश शासन के पूर्व उद्योग मंत्री डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह के पिता हैं। पूर्व एडीजीपी शिवमोहन सिंह का बीते दिनों गंभीर बीमारी के चलते निधन हो गया था। उनके निधन की खबर से सतना जिले के साथ ही विंध्याचल में शोक की लहर दौड़ गई थी। शिवमोहन सिंह पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह के पिता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के नाना थे। मध्य प्रदेश के पूर्व एडीजी रहे स्वर्गीय शिवमोहन सिंह एक कुशल प्रशासक व कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी और जनसेवक के साथ ही सेवा से रिटायर होने के बाद उन्होंने एक दफे विधानसभा चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी, लेकिन राजनीति उनका मिजाज नहीं था, लिहाजा उन्होंने अपने कार्यकाल के बाद उधर मुड़कर दोबारा नहीं देखा। मध्य प्रदेश के एडीजी रहे शिवमोहन सिंह के चाहने वाले मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भी हैं। प्रस्तुत है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से प्राप्त जानकारी का अंश। उनकी सोच, उनकी हथियार, उनका अनुभव से मैंने भी बहुत कुछ सीखा। बहुत बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी। उन्होंने पुलिस में सेवा करी, समाज सेवा करी, पुलिस में सबसे ऊंचे पद पर पहुंचे और उनको आज हम सब याद करते हैं। घूसखोरों पर लोकायुक्त की कार्रवाई का डबल डोज, सिंगरौली में सहायक भू अर्जन अधिकारी तो रीवा में एडीएम का बाबू रिश्वत लेते गिरफ्तार। बता दें कि रीवा में लोकायुक्त ने गुरुवार को घूसखोरों को डबल डोज दिया है। एक ही दिन में दो कार्रवाइयां की हैं। सुबह सिंगरौली में सहायक भू अर्जन अधिकारी और शाम को रीवा के कलेक्ट्रेट में दबिश देकर अपर कलेक्टर के बाबू को 3500 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। बता दें कि शिकायतकर्ता मनीष कुमार प्रजापति निवासी ग्राम पोस्ट बिलवा बिड़ग्यान तहसील सिरमौर ने 3 अगस्त को लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि विवाह प्रमाण पत्र की उसे जरूरत थी, जिसके लिए 23 जून 2022 को कलेक्ट्रेट कार्यालय रीवा में आवेदन किया गया था। आवेदन के बाद उसका विवाह पत्र जारी नहीं किया गया। विवाह प्रमाण पत्र बनने के बदले अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के बाबू आशुतोष मिश्रा 6000 रुपये की डिमांड कर रहा है। रुपये न मिलने पर आवेदन निरस्त करने की धमकी दी जा रही थी, जिसकी शिकायत की सत्यता किए जाने के बाद लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए बाबू आशुतोष मिश्रा को 3500 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों कलेक्ट्रेट में गिरफ्तार किया है। मुनीश कुमार प्रजापति, मामला ये था सर, विवाह पंजीयन करवाने के लिए 2 महीना से चक्कर लगा रहे थे। वो 6000 की मांग किया था, उसमें 2500 रुपये पहले दे चुके थे, वो काम नहीं कर रहा था, इसलिए हमको विवश होकर यहाँ लोकायुक्त में शिकायत करनी पड़ी। ये कौन थे जो मांग रहे थे आपसे पैसे? आशुतोष मिश्रा, रीडर, अपर कलेक्टर। शिकायत करते हैं श्री मुनीश कुमार प्रजापति के पश्चात भी मेरा प्रमाण पत्र नहीं बना के दिया जा रहा है। उसकी एवज में एडीएम साहब के बाबू श्री आशुतोष मिश्रा जी 6000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। बाबू को रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। सड़क सुरक्षा सप्ताह अंतर्गत पुलिस कंट्रोल रूम परिसर से निकाली गई जागरूकता रैली, कलेक्टर और एसपी ने दिखाई हरी झंडी। आपको बता दें कि लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार तथा पुलिस मुख्यालय भोपाल के अंतर्गत आने वाले पीटीआरआई के आदेशानुसार सड़क सुरक्षा सप्ताह रीवा जिले में भी मनाया जा रहा है।
लोग यातायात नियमों का पालन करें तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए, इसको लेकर चलाए जाने वाले जागरूकता रथ व रैली को आज कलेक्टर मनोज पुष्प एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत बसीन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बता दें कि वाहन रैली में शामिल पुलिसकर्मी हेलमेट लगाकर चल रहे थे, जबकि जागरूकता रथ पर विभिन्न स्लोगन तथा यातायात के नियम लिखे हुए थे। बाइक रैली में सवार पुलिसकर्मी हाथों में तख्तियां लिए हुए थे। इस अवसर पर एडिशनल SP NL सोनकर, DSP यातायात मनोज शर्मा सहित विभिन्न थाना प्रभारी उपस्थित रहे। इस दौरान बताया गया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत तेज गति से वाहन चलाने से होने वाली मृत्यु के बारे में आम लोगों को अवगत कराया जाएगा। बिना हेलमेट वाहन चलाने से होने वाली मृत्यु के संबंध में लोगों को जानकारी दी जाएगी। ओवरलोडिंग एवं नशा करके वाहन चलाने से हो रही मृत्यु से आम लोगों को अवगत कराने के साथ ही सड़क सुरक्षा को लेकर कैंपेन चलाया जाएगा। रोड सेफ्टी रन, वॉकाथॉन का आयोजन करने के साथ ही वाहन रैली हेलमेट के साथ निकाली जाएगी। वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण होगा। सड़क सुरक्षा के लिए संगोष्ठी व स्कूल कॉलेजों में यातायात नियमों की जानकारी देने के उद्देश्य से लगातार संगोष्ठी व निबंध वाद विवाद क्यूज व पेंटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। सड़क सुरक्षा जागरूकता संदेश का प्रचार प्रसार करने के अलावा शैक्षणिक संस्थाओं के बस ड्राइवर, कंडक्टर एवं कमर्शियल वाहन के चालकों को सड़क सुरक्षा की भी जानकारी दी जा रही है। बैंक कर्मी, व्यापार एवं व्यावसायिक वर्गों को सड़क सुरक्षा अभियान में सम्मिलित किया जा रहा है। प्रस्तुत है पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। रीवा जिले में एक्सीडेंट होने वाली डेथ की संख्या कम करने के लिए विभिन्न स्तर के प्रयासों में एक प्रयास जागरूकता भी है। इसी क्रम में प्रतिदिन हम लोग विभिन्न स्कूल कॉलेज में जाकर यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में एक बाइक रैली आयोजित की गई है, जिसमें आपने देखा हमारी पूरी टीम के लोग, प्रत्येक व्यक्ति हेलमेट लगाकर बैठा हुआ था। और इसके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बिना हेलमेट के हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है, अतः हेलमेट का प्रयोग करें और अपने जीवन की रक्षा करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। रीवा शहर के मोबाइल स्नैचर गिरफ्तार, राह चलते लोगों को बनाता था शिकार, अकेले ही देता था वारदात को अंजाम। आपको बता दें कि समान थाना पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। गांव से शहर आकर करता था स्नैचिंग की वारदात। रीवा शहर की समान थाना पुलिस ने सातिर मोबाइल स्नैचर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी शहर के उन राहगीरों को निशाना बनाता था जो लापरवाही पूर्वक मोबाइल में बात करते हुए चलते थे। आरोपी रोजाना गांव से आता और राहगीरों को निशाना बनाते हुए मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने मोबाइल स्नैचिंग की दो वारदातों का खुलासा भी किया है, जिससे अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। दरअसल शहर में होने वाली मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों का खुलासा आज शहर के समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता द्वारा किया गया है। थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र में हुए मोबाइल स्नैचिंग की घटना के बाद CCTV कैमरे की मदद से गाड़ी नंबर के आधार पर मऊगंज के राहुल पटेल उर्फ कुंवर नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी गाँव से अकेले ही आकर शहर में मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देता था। फिलहाल आरोपी के पास से लूटे गए मोबाइल को बरामद किया गया है और अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ की जा रही है। प्रस्तुत है थाना प्रभारी समान सुनील गुप्ता से प्राप्त जानकारी के अंश। अरे लूट का आरोपी पकड़ा गया, क्या मामला है? हाँ, ये मोबाइल स्नैचिंग की घटना 2-3 दिन पहले किया था और जिसमें गाड़ी का मॉडल आ गया था और विवेचना के दौरान गाड़ी का नंबर भी आ गया था, जिसके आधार पर ये आरोपी कुमार उर्फ राहुल पटेल पाड़र थाना मऊगंज का पकड़ा गया है, जिसके कब्जे से मोबाइल और मोटरसाइकिल जब्त हुए हैं। किस तरह से घटनाएं किया था सर, कहां कहां किया था? ये वहां से अकेले आकर जो लापरवाह पूर्वक सड़क पे बात करते जा रहे हैं, तो उनसे मोबाइल खींच के ले गया। किसने घटनाएं स्वीकार की? ये थाना क्षेत्र की 2 घटनाएं स्वीकार किया है। एक का मोबाइल गिर जाना बता रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। सर, ये घटनाओं में अकेले ही रहता था कि और भी इसके साथ? अभी इन घटनाओं में अकेले ही था और इसके कई आपराधिक रिकॉर्ड थाना मऊगंज में पहले से हैं। बच्चों के विवाद में चला चाकू, पड़ोसी ने महिला सहित बच्ची को चाकू से हमला कर किया घायल। शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई घटना, घायलों को पहुंचाया गया रीवा के संजय गांधी अस्पताल। आपको बता दें कि बच्चों के बीच हुए विवाद में एक युवक ने महिलाओं सहित बच्ची पर चाकू से हमला कर दिया।
युवक ने महिला सहित बच्ची पर चाकू से हमला किया और बीच बचाव करने आई महिला से भी मारपीट की है। घटना शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बुढ़वा पेट्रोल पंप के समीप की बताई जा रही है। हालांकि इस मामले में महिला सहित बच्ची को मामूली चोटें ही आई थी, जिनका प्राथमिक उपचार संजय गांधी में अस्पताल में कराया गया। घटना के संबंध में पीड़ित महिला ने बताया कि बीते दिवस बच्चों के बीच विवाद हुआ था, जिसे लेकर पड़ोस में ही रहने वाले लल्लू सोंधिया नाम के शख्स ने उत्पात मचाते हुए महिला के साथ गाली गलौज की और विरोध करने पर उसने महिलाओं सहित एक बच्ची को चाकू से हमला कर घायल कर दिया। अचानक हुए इस हमले में घायल महिला सहित बच्ची को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया। हालांकि दोनों की हालत सामान्य बताई गई है। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सिटी कोतवाली पुलिस ने घटना के संबंध में जानकारी जुटाते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। घटना हुई, बच्चों के पास बात हो रही थी और वो आया तो चाकू मार दिया हम लोग। कौन मारा है? लल्लू सोंधिया। कितने लोग को मारा है चाकू? मेरी जिठानी थी उसको मारा, एक लड़की को मारा, हम फिर पकड़ते थे तो हमको भी मारा। क्या क्या विवाद क्या था? विवाद बच्चों के पीछे हुई तो हम लोग को ये पता नहीं था कि बच्चों के पीछे एक त्यौहार ये कर देगा। बच्चों के परसों बात हुई होगी कुछ, तब भी मेरा बच्चे 4 बजे से 11 बजे से 4 बजे तक स्कूल में थे। बच्चों को विवाद में चला? हाँ, छोटा बच्चा है, 7-8 साल का। नाम क्या आपका? हमारा ममता कुछ। रीवा में रक्तदान का महाशिविर, 500 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन, कलेक्टर एसपी ने भी किया रक्तदान। अस्पताल में ब्लड की कमी को दूर करने आयोजित किया गया रक्तदान शिविर, 1000 यूनिट ब्लड मिलने का लक्ष्य। बता दें कि रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आई ब्लड की कमी को दूर करने के लिए आज रक्तदान के महाशिविर का आयोजन कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें सुबह से दोपहर तक करीब 500 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और दोपहर तक 300 लोगों ने रक्तदान किया था। बताया गया कि शिविर में जिस तरह से लोगों में रक्तदान को लेकर उत्साह नजर आ रहा है, उससे शाम तक करीब 1000 यूनिट ब्लड का लक्ष्य पूरा हो सकता है। आज आयोजित हुए इस शिविर में रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प सहित एसपी नवनीत भसीन, जिला पंचायत सीओ स्वप्निल वानखेड़े, कमांडेंट साकेत पांडे, एसडीएम अनुराग तिवारी, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला व जिला प्रशासन व पुलिस के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि इस रक्तदान के महाशिविर में जेएनसीटी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एसएस तिवारी ने भी रक्तदान किया तथा लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं, रक्तदान करने से कोई शारीरिक नुकसान नहीं होता है। इस रक्तदान के महाशिविर में जेएनसीटी महाविद्यालय के छात्र छात्राओं सहित फैकल्टी तथा सेंट्रल एकेडमी स्कूल के शिक्षक समेत अन्य विद्यालयों सहित समाज सेवी संगठनों ने भी सहभागिता निभाई है। दरअसल रीवा के संजय गांधी अस्पताल में ब्लड की कमी के कारण आपातकाल में मरीजों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि अस्पताल में आई ब्लड की इस कमी को दूर करने के लिए सामाजिक, व्यावसायिक व शैक्षणिक संस्थानों के आह्वान पर जिला प्रशासन की ओर से रक्तदान के महाशिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि आज के इस शिविर में शहर के साथ साथ दूरांचल से भी आकर लोगों ने रक्तदान कर अपनी सहभागिता निभाई है और जिस तरह से लोगों ने उत्साह दिखाया है वह काबिले तारीफ है। इधर अस्पताल के ब्लड बैंक के प्रभारी ने बताया कि हर 3 महीने के अंतराल में रक्तदान के शिविर आयोजित किए जाते हैं और इन शिविरों में एकत्रित होने वाला ब्लड आपातकाल की स्थिति में मरीजों को उपलब्ध कराया जाता है। अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी ने बताया कि अस्पताल में ऐसे कई मरीज आते हैं जिनके साथ कोई नहीं रहता और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ब्लड की पूर्ति नहीं कर पाते। इसके अलावा एक्सीडेंटल केसों के साथ कैंसर जैसे गंभीर बीमारी वाले मरीजों को बिना किसी एक्सचेंज और निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है रक्त। प्रस्तुत है रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प एवं ब्लड बैंक प्रभारी संजय गांधी अस्पताल से प्राप्त जानकारी के अंश। ये सामाजिक, व्यापारिक, शैक्षणिक संगठन रीवा की तरफ से किया गया ये आह्वान है, जिसको कि जिला प्रशासन ऑर्गेनाइज कर रहा है और बहुत अच्छा रिस्पांस है, न केवल रीवा से बल्कि आसपास के जो कस्बे हैं वहाँ से भी लोग आए हैं और सभी वर्ग के और सभी संगठन के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। बहुत अच्छा रिस्पांस है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छा कलेक्शन होगा और भविष्य में भी हम लोग इस तरह के रक्तदान के शिविर न केवल शहर में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी करने को प्लान कर रहे हैं। अभी तक सर कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया होगा? लगभग 500 के आसपास लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, 300 के आसपास ब्लड डोनेशन हो गया है और लोग आ रहे हैं और नंबर के इसमें हम लोग नहीं है, लेकिन अच्छा रक्तदान हो और अच्छी अवेयरनेस हो ये फोकस है और इस तरह के रक्तदान हम लोग लगातार ये शिविर आयोजित करते रहे।
लगभग 100 बच्चों ने, जो सभी इंजीनियरिंग और नर्सिंग के छात्र रहे, उन्होंने अपना रक्तदान किया। और पिछले साल उस समय तत्कालीन कलेक्टर इलैयाराजा टी थे, उन्होंने भी बच्चों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया था। तब भी 100 से ऊपर बच्चों ने रक्तदान किया था। और अब बच्चे ये समझ गए हैं कि एक सेवा का एक अच्छा भाव है, दूसरों की जान बचाने के लिए रक्तदान करना। और सबसे बड़ी बात कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये भ्रांति भी दूसरी बार रक्तदान करने से दूर हुई। आया कितने लोगों की आशा है देने की? देखिए, रजिस्ट्रेशन जो अभी बाहर जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है वो लगभग 325 लोगों का हो गया है, और 225 लोग अभी तक दे चुके हैं। और आज हमारा टारगेट तो यही है कि 1000 यूनिट हम क्रॉस करें, फिर भी और ऐसा लग रहा है कि शाम तक हो जाना चाहिए। सर, निरंतर शिविर लगाए जाते हैं तत्कालीन कलेक्टर इलैयाराजा टी के समय में, कई हजारों पुलिसकर्मियों ने ब्लड दिया था, ब्लड कहाँ स्टोर किया? हाँ, ब्लड एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम कैंप लगाते रहते हैं, है ना, हर तीन महीने पे। अब खपत देखिए कैसे होती है ब्लड की। जो हॉस्पिटल में आप अगर पिछले साल का आंकड़ा देख लीजिए तो डोनेट हुए थे 13,000 ब्लड यूनिट्स, और लगे हैं 16,500। तो 16,500 हम इशू करते हैं, साथ में थैलेसीमिया के 150 से 200 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। तो जो थैलेसीमिया के 150 से 200 बच्चे हैं, उनमें से आधे 50% मानी के 100 बच्चों को महीने में 2 बार हमें ब्लड देना पड़ता है, महीने में 2 बार। और उनके परिजनों से हम ब्लड लेते नहीं हैं, है ना, थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, कैंसर हो गया, जो गर्भवती महिलाएं जिनका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, जिसके पास कोई नहीं है, उनको हम विदाउट एक्सचेंज देते हैं। सरस्वती सिंह चौहान, पूनम कुशवाहा, इसलिए ये हमें इस तरह के कैंप लगाने ही पड़ते हैं, और भविष्य में भी लगाने पड़ेंगे। इन लोगों की जान बचाने के लिए हमें बहुत आवश्यकता है। एक्सीडेंट में पेशेंट्स आते हैं एकदम एक्यूट, उनके साथ कोई नहीं रहता, तो उनको ब्लड बैंक से ही ब्लड दिया जाता है। अस्पताल में हमेशा ये भी देखते हैं कि लोग ब्लड के लिए भटकते रहते हैं, और अपना ब्लड देने के लिए या तो दे दें या एक्सचेंज कर लें, तो बिना दिए ब्लड उनको दिया नहीं जाता। तो ऐसे में क्या नहीं, देखिए शासन की गाइडलाइंस ये हैं कि जो हीमोग्लोबिन पर, जैसे थैलेसीमिया पेशेंट, सिकल सेल एनीमिया है, कोई कैंसर का पेशेंट है, गर्भवती महिलाएं जिनका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, उनको ही विदाउट एक्सचेंज देना है। बाकी तो देखिए, अगर हमने अपने जीवन में 2 लोग ऐसे नहीं जोड़े जो हमारे वक्त में जरूरत में काम आए, तो फिर तो अच्छी बात ही, मतलब हम भी किसी के काम नहीं आए कभी। ब्लड बैंक SGMH और ब्लड बैंक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यही 2 जगह स्टोर होती है। विंध्या में भी स्टोर किया जाता है? नहीं, विंध्या में जैसे ये वाले कैंप से नहीं होते, विंध्या वाले अपना अलग कैंप कराते हैं, वो प्राइवेट वो है। आज की खबरों में बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।